दावत? अरे वाह, बंबई वाले तो बड़े धर्मकर्म वाले मालूम पड़ते हैं। खैराती दावत खाना पहले से मौजूद? चल भैया महेश, जरा जम के जमाते हैं। अबे ओ झुमरी के। नहीं भैया, हम झुमरी के नहीं, आगरा के हैं। प्लेट इधर ला, ये इन साहिब का आर्डर है। धर्म खाते की दुकान पर भी आर्डर चलता है क्या? धर्म खाता, अबे फूट। ये जो इतने बड़े अक्षर में दावत लिखा है, ये क्या माया जाल है? ठीक है भैया, हमें एक गिलास पानी ही पिला दो। अबे जाता है या? अरे पास में इतना बड़ा सागर और दिल इतना छोटा। अच्छा भैया, जय राम जी की। यहाँ क्या ले आए हो? कुछ नहीं, हम अपनी जान बचाने आए हैं। ये शोर सुन रही हो? ये लोग हैं। कुछ चुरा के भागे हो क्या? फिर वही चोरी के। ऐसा बोलो। फिर वही चोरी की बात। लेकिन ऐसा क्यों बोले? क्योंकि मैं घर से भाग रही हूँ। अच्छा, तो तुम चोरी करके भाग रही हो? ये सूटकेस, ये सूटकेस मेरा है। हटो। अरे रे रे रे, ये खिड़की मत खोलना। क्यों? अगर ये खिड़की खुल गई तो बाहर वाले अंदर आके हमारी पिटाई करेंगे। यू स्टूपिड, ये खिड़की नहीं खुली तो मेरी सड़क चली जाएगी, मेरा भागने का प्लान चौपट हो जाएगा। और अगर ये खिड़की खुल गई तो हमारे दुश्मनों का प्लान कामयाब हो जाएगा। देखा, वो चली गई। वो भी चले गए। अच्छा, हम भी चलते हैं। ये पकड़ो। अरे ये तो हम समझ गए, तुम चोर नहीं हो। फिर तुम भाग क्यों रही थी? जाने से पहले हम एक बात कह के जाना चाहते हैं, जिंदगी से डर के मत भागो। भागना है तो कुछ करके भागो, समझी? जय राम जी की। स्टूपिड। हो गया? या सर। ये लो। थैंक यू सर। चलो ड्राइवर। अरे सेठ जी, आपका पर्स, सुनिए। अब हम मशीन तो नहीं है कि आपको पकड़ ले। साला, अपनी तो किस्मत ही खराब है। अरे मुन्ना, ये तेरे बस की गेम नहीं है। हीरा, देखो सुलौंडे के पास कितना माल है। क्यों बे, ला ये पर्स। नहीं देंगे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। दे दे पर्स। नहीं देंगे। ला माल। नहीं, हम जान दे देंगे लेकिन ये किसी की अमानत हम नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? अरे मौसी आ गई, चलो बात कर लो। मौसी, तुम कौन हो बेटे?
और ये लोग कौन थे जो तुम्हें मार रहे थे? पैसे छीन लेना चाहते थे। पैसे? किसी की अमानत है। अरे अरे रे, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और ये खून। आ आ बेटे, मेरे घर चलो। आओ बेटा, आओ आओ ना, आओ बैठो बैठो। मैं अभी आई। हाँ अरे, तुम यहां भी मौजूद हो? जयराम जी की। आओ बेटे बैठो, इधर तो देखो। माँ, घर जाके ये जख्म माँ को मत दिखाना, माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। हमारी माँ ही नहीं है, जख्म किसको दिखाएंगे? माँ नहीं है। लो पानी पी लो। वाह भैया, हमारी पिटाई करा के अब मिले हो? मौसी, अगर ये पानी मिल जाता ना, तो ना ये पर्स मिलता और ना हमारी पिटाई होती। अब आप ही बताइए, और किसी की अमानत हम कैसे लूटने देते? बेटा, तुम इस शहर में नए लगते हो। हाँ, हम आज ही आए हैं आगरा से। हमारा नाम महेश है। बहुत अच्छा है। अच्छा मौसी, हम चलते हैं। कहाँ? उनका पर्स लौटाना है ना, सेठ जी का पता भी लिखा हुआ है। पर्स लौटाने के बाद कहाँ जाओगे? वो सब तो हम अमानत लौटाने के बाद सोचेंगे। सोचना मत बेटे, सीधे यहीं चले आना। हाँ मौसी, पत्थर के शहर में एक कांच का खिलौना आया है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। बेटा, शहर की जहरीली हवा इस बस्ती से नहीं गुजरती। मौसी, आपका शहर बड़ा अजीब है। जहां इमारतें बड़ी हैं, वहां दिल बहुत छोटे, और जहां दिल बड़ा है वहां इमारत छोटी है। लेकिन मौसी, एक दिन हमें शहर में दिल के साइज की इमारत जरूर बनाएंगे। कौन हो तुम? तुम तो वही हो जो घर से भाग रही थी। क्यों? तुम यहां मेरी शिकायत करने आए हो? हम तो ओबराय साहब का पर्स लौटाने आए हैं। वो बात किसी से कहना नहीं। प्रीत, कौन है? हम महेश प्रसाद हैं, मुकाम पोस्ट आगरा। आगरा बॉम्बे रोड से होते हुए बॉम्बे पहुंचे हैं। सोचा था आप रुपयों के लिए परेशान होंगे, ये लीजिए संभालिए। एक मुद्दत के बाद ऐसा ईमानदार आदमी देखने को मिला है। ईमानदार? मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता हूँ जो जिंदगी में आए ऐसे हसीन मौके को गंवा बैठते हैं। जिंदगी में ऐसे हजारों मौके गंवाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे एक घटिया मौके के लिए जिंदगी नहीं गंवाई जा सकती। अरे वाह, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। जी हाँ। अब आप इसे पर्स लौटाने की खुशी में कुछ इनाम देना जरूर चाहेंगे, लेकिन 100-200 रुपए से इसका क्या होगा? इसके बदले में इसे एक नौकरी ही दे दीजिए। नौकरी करोगे? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हम ये सोच रहे थे कि आप कितनी ग्रेट है, यही ना? नहीं नहीं, ये काम तो तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिल रहा है। ये लो,
मेरे मैनेजर से मिल लेना। ओके। अरे आप तो हमें बोलने नहीं दे रही थी। मैंने मना किया था ना, मेरी भागने वाली बात मत बताना। ये मेरे मालिक थे, सुन लेते तो क्या सोचते मेरे बारे में। तो तुम इनकी नौकरानी हो? नहीं तो क्या। अरे हम तो खामा खा तुम्हें आप कह जा रहे थे। हम समझे तुम सेठ ओबराय की बेटी हो, लेकिन तुम तो तुम ही निकली। एक बात है, सेठ ओबराय तुम्हारी बातें बहुत सुनते हैं। एक बार कहने से हमें नौकरी दे दी। हाँ बिल्कुल, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और मान लो अगर मैं सेठ ओबराय की बेटी होती तो क्या 2 मीटर की दूरी से बिना नमस्ते किए चल देते? साइड बैठ क्या? अरे खड़ी हो जाओ। सलाम दुआ बराबर वालों से ही जमती है। तुम नौकर मैं नौकरानी, फिर तो हमसे तुम्हारी जम जानी चाहिए। वैसे हैसियत में तो तुम हमारे से छोटी नौकरानी हो। फिर भी दुआ सलाम के बारे में हम जरा सोच लेंगे। यस, हमें ओबराय साहब ने नौकरी के लिए भेजा है। हमारा नाम महेश प्रसाद है। प्रशांत जी साहब, देखो तुम्हें एक डिलीवरी मैन का काम दिया जा रहा है, इनके साथ जाकर काम समझ लो। ओके आओ। कृष्णा क्या हुआ? बिबला का बाइक कुएं में गिर गया। भैया जा मेरे भैया, मेरा भैया महेश भैया, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान। एहसान तो भगवान का है, रही बात हमारी, हम तो बचपन से कुएं में नहाना चाहते थे, वो इच्छा आज पूरी हो गई। क्यों पता नहीं कहां से ये फरिश्ता आ गया सावित्री मौसी के घर। ठीक ही कहती हो विमला बहन, महेश भैया ने तो कुछ ही दिनों में सारी बस्ती को अपना परिवार सा बना लिया है। शर्मा जी टूथपेस्ट और ब्रश लेके जा रहा हूँ। अरे पैसे तो देता जा। हाँ खाते में लिख लेना शर्मा जी, खाते में लिख लेना। अरे राजकुमार इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अपनी राजकुमारी से मिलने। वाह शर्मा जी जरा वो देना। अरे वो क्या चीज, मुंह से तो बोल। वही 25 पैसे में 3 वाले। अच्छा अच्छा पहले राजकुमार गया फिर राजकुमारी जा रही है, लगता है आज पिछवाड़े का खंडर राजमहल बनकर ही रहेगा। ए जी। हाँ बोलो। थारी कमाई को आग लगे, हमारी तो इज्जत बर्बाद हो गई। हाँ क्यों के बात हुई, पूरी लूट गई क्या इज्जत? अरे हाँ पूरी लूट गई। थारे दर्जी के पास गई थी, मारो घगरो सीने से ना बोल दियो। क्यों बोलियो? मारी दुकान में तंबू की सिलाई ना हो। अच्छा उसकी ये मजाल। हाँ देख
वो सारा सामान ले गया और खाते में लिखवा गया। उसका तो बाप भी तंबू सीमा का, उसको देखता हूँ मैं। चल मेरे साथ। चला। अरे रामू। हाँ लाला जी। ध्यान से काम करियो, समझे? अच्छा लाला जी, तू दुकान की सिलाई करवा, मैं सामान ले जा रहा हूँ। अच्छा जी। महेश जी, आपने हमें याद किया। हाँ देखो महेश, पैकिंग डिपार्टमेंट में एक पार्सल रखा हुआ है, वो पार्सल ले जाकर बंगले में प्रीत मेम साहब को दे दो। अरे भाई, कुछ बोलोगे भी या खुद ही हंस जाओगे? मेम साहब, जब हमें मैनेजर साहब ने कहा कि ये पार्सल प्रीत मेम साहब को दे आओ। अब तुम ही बताओ, कोई नौकरानी को मेम साहब कहे तो हंसी नहीं आएगी? अरे भाई सवाल है, फिसल गई होगी। और हम तुम्हारे से पोजीशन में बड़े नौकर हैं, हमारे नाम पे तो जबान नहीं फिसलती। ये लो, इस पे अंगूठा लगाओ। What do you mean? अरे वाह, तुम तो पढ़ी लिखी नौकरानी लगती हो। ओ, खिलौने तो देख ले। खिलौने? हाँ। तुम अभी तक खिलौनों से खेलती हो? क्यों, तुम नहीं खेलते? ना बाबा, टूट जाने के डर से हम कभी नहीं खेले। मुझे खिलौने बहुत पसंद है, मैं अपनी सारी पगार इन्हीं पे खर्च कर देती हूँ। सारी पगार? लो ये गुड़िया, तुम रख लो। महंगाई हमें खिलौना समझकर खेलती है, हम जैसे छोटे लोग महंगे खिलौनों से क्या खेलेंगे? इसे मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझकर रख लो महेश। महेश बेटे जी, ये गुड़िया कहाँ से लाया? उसी लड़की ने दी मौसी। लड़की? हाँ मौसी, हमने बताया था ना, ड्राइवर की बेटी प्रीत, जो घर से भाग रही थी। तो तू उसे मिलने गया था? हम तो उसे खिलौनों का पार्सल पहुंचाने गए थे। मौसी, वो अपनी सारी पगार खिलौनों पे खर्च कर देती है। महेश, ये गुड़िया उसने तुम्हें क्यों दी जानता है? पगले, ये बंबई है, संभल कर रहना, खिलौना देखकर वो तुम्हें कहीं खिलौना ना बना दे। यू प्रीत की बच्ची। हाय सुमन, मुझे सड़क पे खड़ा करके तू खुद ही नहीं आई? मैंने अपना भागने का इरादा ही बदल दिया है। या ये कहो कि अंकल ने अपना इरादा बदल दिया है? नहीं, डैडी नहीं बदल सकते। हाँ, उनका सामना करने की हिम्मत मुझ में आ गई है। ओहो, और अगर उन्होंने तुम्हारी सगाई रंजीत से कर दी तो? ये नौबती नहीं आएगी। ओह, कल से आज के बीच में तो कुछ बदल सी गई है, कोई मिल गया है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, आगरा से आया है, ग्रेजुएट है। अच्छा, करता क्या है? मैंने डैडी से कहकर उसे डिपार्टमेंटल स्टोर में काम दिलवा दिया है। उस आगरे वाले के साथ तुझे भी आगरा जाना है क्या? इरादा तो कुछ ऐसे ही है, मैंने उसे कहा है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। व्हाट? रीत, ये मजाक कहीं महंगा ना पड़े। हाँ, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। मेरा पार्सल दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ लोग नहाते हैं। तुम भी यहाँ नहाओगी? हाँ। तुम लोगों को इज्जत आबरू का जरा भी ख्याल नहीं। ये लो अपना पार्सल, इस पर्चे पर दस्तखत करो, हम चलते हैं। क्यों, तुमने कभी नहाते हुए लड़की नहीं देखी? देखी? अरे हमने उसकी तस्वीर तक नहीं देखी। फिर रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। भगवान, हम कहाँ फंस गए? अगर हमें मालूम होता तो हम ये पार्सल कभी नहीं लाते। जरा आंखें खोलो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लगती हूँ? बिल्कुल डायन लगती हूँ। तुम सिर्फ नाम की गरीब हो, लेकिन लक्षण सब अमीर हो जैसे। अरे घर में भाई बाप होगा, कुछ तो शर्म करो। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमसे कैसे शर्म? नहीं नहीं, हम दोस्त वोस्त नहीं है, अब हमें साइन बाइन भी नहीं चाहिए। तो ये साइन को छोड़ो ना, चलो दोनों नहाते। नहीं नहीं। नहीं आ
मौसी, हम सच कह रहे हैं, हम सीधे भागते हुए आपके पास आए हैं। महेश, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम एक काम करो, प्रीत जब भी मिले ना तो उसे कह देना कि मौसी तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहती है। मैं भी तो देखो ड्राइवर कैसा है, जिसकी बेटी अमीर लड़कियों की तरह रहती है। क्या तुमने मौसी से सब कुछ कह दिया? हाँ, कहता नहीं तो और क्या करता। तुमने ऐसी फसादी पोशाक पहन रखी थी, अगर कुछ ऊंची नीची बात हो जाती उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम? मैं? हाँ, और क्या, ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ती। क्या? छी 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 छी, कुंवारी कन्या होकर ऐसी बातें करती हो? क्यों, तुम्हारे गांव में कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं होती क्या? होती क्यों नहीं है, इसलिए मौसी तुम्हारे बाप से मिलना चाहती है। तुम अपने बाप को मौसी के पास भेज दो। क्या? हाँ, और अगर तुम्हारा बाप मौसी से मिलने नहीं गया तो हम भी तुमसे मिलना जुलना बंद कर देंगे। हाँ, बाप रे बाप, अब कौन बनेगा मेरा बाप? मैं? अरे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, बड़े साहब सुनेंगे तो मेरी छुट्टी कर देंगे। डैडी तो तुम्हारी छुट्टी बाद में करेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे डैडी नहीं बने तो मैं तुम्हारी छुट्टी अभी कर दूंगी। हे गंगा माई, आगे कुआं पीछे खाई, अब मैं क्या करूं? कुएं में कूद जाओ, क्योंकि बचने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है बेबी, ठीक है। तो तुम ही उसके बाप हो? जी हाँ, यही कहा गया था। क्या बातों से तो तुम एक नंबर के जाहिर लगते हो। जी हाँ, यही कहा गया था। तुमने अपनी बेटी को इतनी आजादी दे रखी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जी नहीं। हाँ जी, ये तो नहीं कहा गया था। पागल है क्या? जी देखो, मैं अपने बेटे महेश का रिश्ता तुम्हारे घर में हरगिज नहीं करूंगी। जी, ये भी नहीं कहा गया था। क्या बकरा है, मुझे लगता है तुम ही अपनी बेटी को तंग कर रहे हो, इसलिए बेचारी घर से भाग रही थी। मेरी लड़की घर से भाग रही थी? मेरा महेश अगर उसे नहीं समझाता तो। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, घर जाता हूँ, बेटी को समझाता हूँ। यानी कि वो घर से भाग रही थी? हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। दुनिया की बात छोड़, पहले तू मुझे ये खोली तो छोड़ के दिखा। पापा, पापा की बच्ची, सच सच बता, किसके साथ भाग रही थी, बोल जरा।
मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो कोई मुझे ले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तुझे भगाने वाला मिल जाता तो तू भाग जाती। क्या पता, शायद। क्या कहा? इससे पहले कि तू किसी के साथ भागे, मैं तेरा हाथ किसी ड्राइवर के हाथ में दे दूंगा। तो क्या मेरी शादी भी किसी ड्राइवर से करोगे? ये रवाज हमारे खानदान का है, लड़का हो या लड़की, शादी किसी खानदानी ड्राइवर ही के साथ होगी, इसलिए हमें दामाद कोई ड्राइवर ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा, अव्वल तो तू शादी ही ना कर, और करनी है तो किसी ड्राइवर की बेटी से ही कर। बेटी, इनसे मिलो, ये ड्राइवर, इब्ने ड्राइवर, बेचारे प्राण, प्राण नाम है मेरा। चल हट, पहले अपना कद तो देख। कद पे न जाओ शंपा रानी, रफ्तार बहुत तेज है। मेरे दादा परदादा शकर दादा सभी ड्राइवर थे। दादा लॉरी चलाते थे और परदादा बुलडोजर, और मैं भगवान की दया से अभी तक चला रहा हूँ फीएच। क्यों शशुर जी? अरे भाई, तुम लोग बातें करो, खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। वाह 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 वाह। शंपा रानी, तुम ही मेरी मर्सिडीज हो, तुम ही मेरी टोयोटा हो, और तुम ही मेरी लिटिल लिटिल मारुति हो। शंपा रानी, एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर तुम्हें अपनी रफ्तार बताऊंगा मैं। पापा, भाई क्यों शोर मचा रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं ससुर जी, ये पूछ रही थी कि आप भी चाय लेंगे ना मेरे साथ। हाँ भाई बिल्कुल बेटे, जरा चलो चाय वाय बना के ले आओ, जरा अच्छी चाय। बिल्ली में दूध गिर गई? चाय थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ ज्यादा वही लगता है। पनीर? हाँ भाई, भाई तुम्हारे कुक का जवाब नहीं है, खुशबू से पेट भर जाता है अपना। थोड़ा सा राइस भी ले। अरे थोड़ा क्या, पूरा राइस ले लेंगे। वाटर? यार खाना है यार, तू तो वैसे भी पेटू आदमी है, क्या हो गया? ये लेना, ये ये। हाँ भाई, वो मुर्गा यहाँ लाया जाए, जरा पेश किया जाए। मुर्गा? उसमें सजाए मौत दी जाए। मुर्गा? मुर्गे की टंगड़ी चलेगी? अरे टंगड़ी भी चलेगी भैया, तुम जानते हो हम पेटू हैं। प्रीत, खाने में दो मच्छर गिर गए, मैं खाना नहीं खा सकती, सॉरी अंकल। स्ट्रेंज, डरे प्रीत, हमें मच्छर बनाकर निकल गई। जी मैं तो आ रहा था दर्जन भर तमाचे मारू साली को। बेटे, तुम्हारा एक एक तमाचा हमारे लिए एक एक करोड़ का नुकसान बन सकता था, तुमने अपने हाथ को रोक लिया, अच्छा किया। लेकिन दोस्त, कहीं अपने पैर को रोक लेते तो बहुत ही अच्छा होता। वाह डरे वाह, क्या एक्सरे वाली नजर पाई है, आखिर बाप किसके? बेटे मैं तुम्हें बहुत बादाम और घी खिलाया है, घी का असर तुम पर और बादाम का मुझ पर हुआ है। रंजीत, अब राय हमें बहुत ही रईस और निहायत ही शरीफ समझता है, उसकी नजर में हम बहुत बड़े बिल्डर हैं। इससे पहले के हमारी हेरा फेरी के बारे में उसे कुछ पता चल जाए, प्रीत के साथ तुम्हारे फेरे हो जाने चाहिए। पर डैड, प्रीत मुझे देख के ऐसे भड़कती है जैसे सांड लाल कपड़ा देख के। मौसी, दरवाजा खोलो। महेश भैया। हाँ, जयराम जी की, रघु काका। जयराम जी की, जयराम जी की। मौसी ने खाना हमारे यहाँ रखवा दिया है,
आप चलकर वहां खा लीजिए। आपके घर में? रघु काका हम इतनी देर से खटखटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मौसी दरवाजा ही नहीं खोल रही। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है महेश भैया, आज 6 जून की रात है ना, आज की रात मौसी किसी से बात नहीं करती है। आप आइए हमारे घर में। तुम रो रही हो मौसी? तुमने बरसों की 6 जून की रात की खामोशी तोड़ दी बेटे। अंदर आ जा। आज मैंने राजू के नाम की 25वीं मोमबत्ती जला दी है। ये मेरे उसी बेटे की तस्वीर है और ये मेरे पति। लेकिन मौसी तुमने पहले इसके बारे में? मेरे पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उनकी ईमानदारी ने बिल्ला नाम के एक बदमाश को उनका दुश्मन बना दिया। वो रात 6 जून की थी और हम राजू का जन्मदिन मना रहे थे। ले खा ले। दिनेश बिल्ला तू, कल वक्त तेरे साथ था, आज मेरे हाथ है। अरे तूने क्या सोचा था मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा? ये 6 जून तेरे लिए बहुत यादगार रहेगी बिल्ला। मैं टूट गई लेकिन राजू के आने की जो आस है वो नहीं टूटी, वो नहीं टूटी। अपने बेटे की याद का जख्म नासूर हो गया और हम जैसे अनाथ को गले से लगाए रखा। फिर एक हम है जो तुम्हें मौसी कह के पुकारते रहे। हम आज के बाद तुम्हें मौसी नहीं मां कहेंगे। मां? बेटा मां, बेटा मां। बेटा तू उम्मीद की एक जीती जागती तस्वीर है। आ इधर आ, आज मैं तेरा जन्मदिन मनाऊंगी। हमारा जन्मदिन? हाँ, आज तूने मुझे माँ जो कहा। मोमबत्ती फूंक दे बेटे, फूंक दे। बेटा हजारों साल जी, हजारों साल जी। ये ले चंद्रमुखी, मैं तेरे लिए शहर से ब्याह की बरसगांठ को प्रेजेंट लेकर आयो हूँ। के है? सस्पेंस है, खोल कर देख ले। है? अरे थे मारे खातिर स्प्रे ले आए हो? बिल्कुल। अरे इसमें सेंट भरकर अपने आप पर छिड़का करूंगी। लेकिन इसका साइज जरा छोटो है। इससे बड़े साइज का तो मार्केट में मिला ही नहीं ना। हाँ, और सुन, शहर में एक दोस्त मिला था मुझे। अच्छा? वो कह रहा था कि मैं आपको अगले महीने हांगकांग बुलाऊंगा। ए जी, मैं भी थारे साथ हांगकांग जाऊंगी। हाँ रहने दे भाग्यवान, मैं तन्ने हांगकांग नहीं ले जाऊंगा। और फिर
प्लेन में तो तेरो डबल भाड़ो लगेगो, क्योंकि तू दो सीट से कम पर तो बैठेगी नहीं। और फिर एक बात और सुन ले, या फिर तन्ने सामान के साथ बांध के ले जानो पड़ेगो। अरे अगर मैं सामान के साथ चली गई तो थाने हैंडबैग की जगह कौन ले जाएगा? अब रही दो सीटों वाली बात, तो मैं डाइटिंग कर लूंगी। अरे भैंस डाइटिंग करे तो बकरी थोड़ी हो जाएगी। तो थे भी सुन ले, अगर मैं नहीं गई ना तो थाने भी जाने नहीं दूं। हाँ बलवंत साहब, बलवंत साहब, अरे वाह, तो आप यहां हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हो। अब महेश चाचा तुम्हें खेल दिखाते हैं। ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये चाचा, चुन्नू मुन्नू चाचा, चुन्नू मुन्नू चाचा। हाँ अब देख ले। अरे वाह, हे तीन बेगम आ गई, अब इनकी बारी। क्या चाहिए? अरे वाह, तीन बादशाह, हे हे हे। अब महेश चाचा के पास क्या है? हाँ हे हे हे, तीन इक्के, हे 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 हे, ये हुई ना असली पत्तों की बाजी। क्यों? वंडरफुल, वाह, बहुत खूब। हाँ वाह, बालक कौन हो तुम और कहां से आए हो? साहब हम महेश प्रसाद हैं, हैप्पी होम के डिलीवरी मैन। वो आप नहीं थे तो वक्त काटने के लिए हम ऐसे ही। ये कला कहां से सीखी? गांव में बच्चों के साथ खेलता था, उनका दिल बहलाते बहलाते ये कला सीख ली। आपका सामान नीचे गाड़ी में है, डिलीवरी देनी थी, इस पर दस्तखत कीजिए। सामान नीचे गोरखे को दे देना। जयराम जी की इस गुस्ताखी के लिए हम माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं। सोने की कील जूती में जड़ी हुई है मोना, इस लड़के को देखा? महेश नाम है इसका, हैप्पी होम में काम करता है। मुझे ये लड़का चाहिए, चाहे तुम्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। बलवंत साहब, मैं कीमत अदा करती जा रही हूं और आपकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। डू यू हैव अ चॉइस? ये लड़का अपने वक्त का बहुत बड़ा पत्तेबाज बन सकता है और उसे इस बात का इल्म तक नहीं। याद रहे, नाम महेश, हैप्पी हो। महेश जी, आज तुम सागर सिंह जो बंगले पर गए थे? हाँ साहब, हम वहाँ माल पहुँचा के आए हैं, लेकिन वहाँ से शिकायत आई है कि तुमने सामान की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ की है। नहीं साहब, हम खुद वहाँ। देखो महेश, जब तक मिस मोना अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगी, मुझे मजबूरन तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। लेकिन साहब, आई एम सॉरी महेश। हेलो, मैनेजर हैप्पी होम स्पीकिंग। मोना जी, नौकरी से निकाल दिए जाने का भी हमें इतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि हम चोरी के इल्जाम में निकाले जा रहे हैं। सुना है तुम पत्तों से खेलते हो? जी हाँ, ताश के पत्तों से। हा? अच्छा जरा मुझे भी तो अपना कमाल दिखाओ। मैं तुम्हारी शिकायत वापस लेने के बारे में सोचूंगी।
दोस्त, पहली बार तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है, साथ निभाना। अब हम आपके पत्ते बिना देखे ये कह सकते हैं कि आपके पास तीन बादशाह हैं। गुड। और अपने लिए क्या रखे हैं? बादशाहों से बढ़कर तीन के। महेश, ये खेल अगर तुम मेरे दोस्तों के लिए खेलो तो मैं तुम्हारी शिकायत वापस ले सकती हूँ। बस इतनी सी बात? ये खेल आप जा कहेंगी हम खेलेंगे। तो अब मैं जहां ले चलूंगी तुम वहां चलोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, मंजूर? चलो चलो। महेश, चार्ली। हेलो फोक्स, दिस इज माय फ्रेंड चार्ली फ्रॉम पेरिस। चार्ली, हाय। हेलो, गो अहेड। हाय स्मार्ट, माय सेल्फ आलोक शेद। मुझे राकेश दुबे कहते हैं, हाउ आर यू? हेलो, जलता
जिस मकसद से हमें यहाँ लाई थी वो तो आप भूल रही हैं। तुम्हारी खातिर मैं धीरे धीरे उस मकसद पर आ रही हूँ। लेकिन आप तो पत्तों के खेल के बारे में बात कर रही थी। तो खेलो ना, पत्ते सामने हैं और तुम अच्छे पत्तेबाज हो। लोग तो दांव पर रुपया रखते हैं, मैं अपनी जिंदगी रख दूंगी। जिंदगी ताश का पत्ता नहीं मोना जी, जिसे दांव पर रख दिया जाए। महेश, यहां तुम्हारे सामने रूप खड़ा है और क्लब में रुपया। रूप की किश्त मैं अदा करती हूं और रुपए की किश्त तुम अदा करो। मोना जी, इस खेल से हम बच्चों का दिल बहलाते हैं, लोगों की जेबें नहीं काटते। जिस दिन ये नौबत आई उस दिन हम अपनी उंगलियां काट के फेंक देंगे। एक मामूली नौकरी के लिए हम इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते। नमस्ते। महेश, महेश, एक भोले भाले इंसान की जिंदगी बर्बाद करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ओह, लगता दवा का पिछला डोज ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। दीदी! राजू, राजू, दीदी! राजू, ले जाओ सर। दीदी! राजू, राजू, रंजीत, तुम जिस कसाई की दुकान पर जाओ मेरा जिस्म टांग दो, लेकिन भगवान के लिए मेरे राजू की जान बख्श दो। उसे हॉट टॉर्चर मत करो रंजीत। ओके, That's good, baby. Baby, ये सब रिहर्सल इसलिए की जाती है ताकि तुम्हें याद रहे। तुमसे जो काम कहा जाए उसे ठीक और पूरी तरह से कर दिया करो, समझे? मैंने कहा था ना ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। सुमन, प्यार की ये कहानी एक मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन अब यही मजाक मेरी जिंदगी बन चुका है और महेश के बिना मेरी जिंदगी मजाक बनकर रह जाएगी। ठीक है माँ, हम नहीं रोएंगे। बस जी भर आया था, हमें क्या पता था ये रही जादी हमें खिलौना देकर बहलाएगी। चल बेटे, चल खाना खा ले। नहीं माँ, हमें भूख नहीं है। माँ ऐसा नहीं करते। चल 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 राजा। नहीं कह दिया कि सारा कसूर तुम्हारा है? मैं कह दूंगी, सब कुछ कह दूंगी। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? माँ, तुम माँ होकर एक लड़की की परेशानी नहीं समझ सकती। महेश सिर्फ तुम्हारे कहने से मुझे माफ कर सकता है। मुझे अपनी नजरों में गिरने से बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हो? क्या तुम सचमुच महेश को चाहती हो? तो फिर तुम्हारी महेश से सिफारिश करनी पड़ेगी। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वाह माँ वाह, रात को तो बड़े बड़े भाषण दे रही थी। वो आएगी तो मैं उसका मुंह झुलस दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। कर दिया सब कुछ। महेश देख बेटे, बेचारी कितनी रोई है। हाँ, वो जो रो रही है वो असली है और हमारे आंसू तो नकली थे ना। अरे लड़की साथ खुद तेरे पास माफी मांगने आई है, तू माफ नहीं करेगा? नहीं माँ, ये झूठी है, फरेबी है, हम इसको हरगिज माफ नहीं करेंगे। नहीं मैं कहूँ तो भी नहीं। तुम माफ कर दे। तुम कहोगी तो दिलीप पापा तो मानते ही नहीं, वो तो स्वयंवर की बात पे ही अड़े हुए हैं। तो फिर कैसे होगा हमारा मिलन? जल्दी से कार ड्राइविंग सीख लो और अपनी चंपा को जीत लो। मैं ऐसे ही करूंगा, यही करूंगा, मैं सीखूंगा जी मैं कार ड्राइविंग।
लेकिन सिखाएगा कौन मुझे? मैं सिखाऊंगा बच्चू। ब्रेक ये लगा दी। ठीक है। अरे वाह, अब तो भाई तुम बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो गए हो। मुझे जितना आता था मैंने वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया। अब तुम चाहो तो आसमान में उड़ते हुए जेट से भी रेस लगा सकते हो। सच? ओ थैंक यू। लेकिन लेकिन पहले मैं अपनी चंपा को जीत लूं, फिर वो क्या कहते हैं वो जेट से रेस लगाऊंगा। गाड़ी की ब्रेक जरा लूज है, मैं उसे टाइट कर लूंगा, फिर तुम गाड़ी फर्राटे से भगाना। ठीक है, फिर समझ लो चंपा तुम्हें। ओ चंपा। हुआ नहीं अभी तो क्या? लो भाई, बस एक बार शंपा का नाम लो और गाड़ी भगाओ। ओह थैंक यू। हे चंपा, प्राण प्राण नाम है मेरा। अबे प्राण, अबे प्राण के बच्चे, तेरे पर तो मैं निकालूंगा। Come on baby, eat something. Eat. I get you some ice in that. I get you ice. Waiter. Bastard. गाली तो तुम्हारी जुबान पर रखी रहती है, इसलिए कि मैं पैदाइशी बुरा आदमी हूँ। अब किसे गाली दे रहे थे? उधर देखो। जिसकी जरूरत थी वो मिल गया। यू वांट महेश, मुझे प्रीत चाहिए। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। याद है? एक दिन तुम कोई कसम खा रहे थे जो अधूरी रह गई थी। खा रहे थे? ओ कसम, लो आज हम वो कसम पूरी कर लेते हैं। हम प्यार की गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, हम तुम्हारे हैं, हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। सुना है इस तरह से अदालत में कसम खाते हैं। ये भी तो अदालत है प्यार की। तुम मुनसिफ हो, हम मुजरिम, और इल्जाम प्यार का। फिर तो मुनसिफ भी मुजरिम है, सजा कौन देगा? तुम हमें सजा दो, हम तुम्हें सजा दें। ठीक है, पहले तुम सजा दो। हम एक छोटी सी सजा देंगे तुम्हें, हमारे रंग में रंगना होगा। रंगोगी? तुम्हारे लिए तो मैं जोगन बन के भी रह सकती हूँ। अब तुम सजा दो। मैंने तुम्हें अपने रंग में रंग लिया, कल जब तुमसे मिलने आऊंगी तो तुम्हारे रंग में रंग कर आऊंगी।
मेरी बेटी मेरे डिलीवरी मैन के साथ बैठी थी, ये देख करके भी तुमने उसे छोड़ दिया रंजीत, और तुम मुझे बताने चले आए। अंकल मैं हाथ लगाऊंगा तो गरीब जान से हाथ धो बैठेगा। आसमान में करोड़ों सितारे हैं रंजीत, दो चार के टूट जाने से आसमान का कुछ नहीं बिगड़ता। अंकल समझ लो, आसमान से एक सितारा टूट गया। मुझे छोड़ दो,
मुझे जाने दो। ओ, जाने दो। जा, 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 बेटे, जा। ले, 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 बहुत लग गए हाँ? खड़ा जा, जा, जा। भगवान के लिए मेरे महेश को बचा लीजिए, मुझे गरीब को सिर्फ आपका ही आसरा है। देखिए, हमने महेश की पूरी तरह से जांच कर ली है, उसके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जिसमें जख्म न लगा हो। आप मेरी मानिए, उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए, शायद उसकी जान बच जाए। तुम्हारी खोली, सिर्फ एक खोली खरीद करके मैं क्या करूंगा। वैसे हाँ, अगर पूरी जमीन मिल जाए तो मैं आज ही खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ये सौदा दो बार ठुकरा चुके हो। ओबराय साहब, मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है, भला मुझ गरीब के लिए बस्ती वाले अपना घर क्यों बेचने लगे। तुम्हारी गरीबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओबराय साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे निराश मत कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। तुम्हारे बेटे के मरने जीने से मुझे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए। ओबराय साहब, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तुम खामोखा मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो, चली जाओ यहां से। सेठ जी, सावित्री बहन, हम आ गए हैं। ओबराय साहब, आप रुपयों का इंतजाम कीजिए, हम लोग तैयार हैं। कबला बे, ये तुम क्या कह रही हो? एक की जान बचाने के लिए तुम सब लोग? जिस दिन महेश ने विमला के भाई की जान बचाई थी, उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि इसमें उसकी भी जान जा सकती है। सावित्री बहन, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारी बस्ती का बेटा है। सेठ जी, आप रुपए निकालिए। कन्हैया तू नैया को पार लगा दे, कन्हैया तू नैया
डॉक्टर साहब, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में हैं आप। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। आज क्या तारीख है? 15। 15? अरे मेरी चंपा, आज तो मेरी चंपा का स्वयंवर है। चंपा मैं आ रहा हूँ। अरे चंपा मैं आ रहा हूँ। मेरी चंपा तू मैं आ गया। भगवान से चंपा मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर आजम, जयराज की बेटी का स्वयंवर और आने वाले सिर्फ ये 5 ड्राइवर। प्राण जिस रेस में हिस्सा ले उसमें दूसरे ड्राइवर कभी नहीं आते। जल्दी रेस शुरू कीजिए ससुर जी। चुप। ना तूने अभी रेस जीती है और ना हमारे फेरे हुए, फिर ये तेरे ससुर जी कैसे हो गए? पापा अभी छठा भी आने वाला है। चंपा रानी, तू जिसका इंतजार कर रही है वो कभी नहीं आएगा। वो आएगा और जरूर आएगा। हम कहा की देर कर रहे हैं ससुर जी, जल्दी कीजिए। रेस का वक्त हो गया है, टाइम इज मनी। चलिए। ठहरो, मैं आ गया। मेरी चंपा, मेरी चंपा मैं आ गया। ये कफन पहन के चले आए? ये आप डायरेक्ट कब्रिस्तान से आ रहे हैं क्या? पापा ये वही है छठा। अच्छा अच्छा, रेस बेटी रेस। देर आए दुरुस्त आए बरखुदार। दोस्तों अब रेस का वक्त हो गया है, आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ चलिए। आइए चलिए। करो, मैं उस उल्लू के पट्टे से समझूंगा। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम सुहागरात इस शहर में नहीं मनाएंगे। इस शहर से कहीं तो अब क्या हुआ?
चंपा जी, ये गाड़ी तो गर्म हो गई है। गाड़ी तो कब से गर्म है? अच्छा, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ और इसको ठंडा करता हूँ। डब्बा एक मिनट, गाड़ी को भी अभी गर्म होना था। खंडाला जाकर गर्म होती ना। तुम? हाँ शंपा रानी, मैं तुमने क्या समझा था कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? अरे शंपा रानी, जहाँ जाओगी तुम मुझे पाओगी, क्योंकि प्राण नाम है मेरा। अरे ओ कन खजूरे, अभी दिलीप आएगा, एक हाथ लगाएगा, ये तू 2.5 फुट से 2.5 इंच का हो जाएगा। अरे यार दिलीप तो क्या, गॉडफादर मर्लिन ब्रांडो, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या जितेंद्र, कोई भी मुझसे तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि प्राण नाम है मेरा। आज नहीं छोड़ूंगा शंपा, आज नहीं छोड़ूंगा परानी। कितना शटाएगी शंपा, 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 शंपा। भगवान, तूने इसे इतनी लंबी क्यों बना दिया? फेल हो रहा हूँ। थैंक यू भगवान, सीढ़ी तो दी। शंपा, शंपा, तेरी तो। अरे ऐसा ठंडा करूंगा सारी उम्र याद रखेगा। कौन हो तुम? दिलीप नाम है मेरा। चंपा डार्लिंग, दिलीप कुमार ने प्राण को कौन सी फिल्म में मारा था याद? राम और श्याम। राम और श्याम कैसे मारा था मालूम है? नहीं मैं बताता हूँ, खड़ा हो। तूने अंधा करूं देखी थी? देखी थी। उसमें याद है अमरीश पुरी को अमिताभ बच्चन ने मारा था, याद है? कैसे मारा? अभी बताता हूँ। अब कौन आ गया? तू शोले फिल्म देखी थी? ब्लैक में टिकट लेकर देखी थी। उस बीच धर्मेंद्र ने अमजद खान नु कुटिया थी, पता है क्यों कुटिया? नहीं पता। उन्हें दसना छा जा दस। पंजाबी मुक्का मधुमती से लेकर राम और श्याम तक मेरा यही हाल होता रहा है, क्योंकि प्राण नाम है मेरा। बढ़िया सीधा लेट। चंपा जी, प्राण को तो सारी फिल्मों का ट्रेलर दिखा दिया। देखो अभी 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 गाड़ी तो अभी भी गर्म होगी, अब मैं दोबारा पानी भरने तो जाऊंगा नहीं। खंडाला गया खड्डे में, अपने प्यार की खटिया यही बिछा लेते। ले। बस माँ, हमारी जान बचाने के लिए अपनी कौन सी बची कुची पूंजी को बेच दिया तुमने? अरे पगले, तेरी माँ के पास था ही क्या बेचने के लिए? सवाल को सवाल से मत टाल माँ। जिस अस्पताल में हमारा इलाज हुआ है उसके फाटक में गरीब झांक कर भी नहीं देख सकता। सच पूछ तो सब कुछ भगवान ने ही किया है। छुपाना चाहती है छुपा ले,
तेरा भगवान किस कर्ज के नीलामी की शक्ल में यहां पर आएगा हम नहीं जानते। हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं जो कुछ भी है सब तोड़ डालो। को भी जुकाम हो गया, छोड़ दो से, इसका जुकाम मैं ठीक करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने आज की शाम का एक सरप्राइज अनाउंस कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी प्रीत की सगाई मिस्टर बलवंत सेठी के बेटे रंजीत के साथ अनाउंस करता हूं। जो रिश्ता मुझसे बिना पूछे बगैर मेरी मर्जी के तय किया गया है, मैं उस रिश्ते को मानने से इनकार करती हूं। प्रीत, भरी महफिल में आज तुमने मेरी इज्जत उछाली है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे जो करना था मैं कर चुकी डैडी, अब आपको जो करना है आप कीजिए। इसका मतलब महेश का ख्याल तुम्हारे दिल से अभी तक नहीं निकला? ये तो उसी दिन जाएगा जिस दिन मेरी जान जाएगी। तुम एक बाप के सामने? मेरे लिए बाप सिर्फ एक ओहदे का नाम है डैडी, रिश्ते का नहीं। अगर महेश न मिलता तो मैं कब की आपकी ज्यादतियों से तंग आकर इस घर से चली गई होती। आपने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी, मुझे महेश से मिलने के लिए रोका। मैंने मान लिया सिर्फ इसीलिए कि मुझे पता है आपकी दौलत उस गरीब की जान खरीद सकती है, आपके भाड़े का कोई भी गुंडा उसे रास्ते से हटा सकता है। प्रीत, अब आप कुछ नहीं कहेंगे, अब मैं कहूंगी और आपको सुनना पड़ेगा। बचपन से आज तक आपने मुझे इस सोने के मकबरे में कैद करके रखा, माँ का प्यार कभी मिला नहीं और आपके पास उसके लिए कभी वक्त नहीं रहा। आपको रुपया चाहिए था, आपने रुपया कमाया,
मुझे प्यार चाहिए था, मैंने प्यार कमाया। प्रीत, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी ये उम्मीद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। जानती हूँ, आपके मेरे बीच यही समझौता है कि मैं महेश से दूर रहूंगी, उसके नाम पर उसे दूर रहकर मैं जब तक जी सकूंगी जीऊंगी। लेकिन अगर आपने मुझे किसी और के साथ बांधने की कोशिश की तो मेरी मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। सेठ जी, आपने जो हमसे कहा वो हमने किया। अब हम आपसे विनती करते हैं, बस्ती वालों की बस्ती लौटा दीजिए। पहले तुम्हें सिर्फ मोहलत चाहिए थी, अब तुम्हें पूरी बस्ती चाहिए। तुम्हें मालूम है 2 महीने में इस बस्ती से मुझे पूरे 50 लाख का फायदा होगा। 50 लाख 2 महीने में तुम मुझे दे दो, बस्ती ले लो। 2 महीने 50 लाख? सेठ जी, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? ओवरहेड बिजनेस में डील करके कभी मुकरता नहीं। ठीक है सेठ जी, अब आपसे मुलाकात तो मैंने बात होगी। तुम एक दिन आपने हमें यहां बुलाया था, याद है? अगर वो जगह आज भी खाली हो तो हम अपना जमीर गिरवी रखने को तैयार हैं। महेश, लोग कहते हैं ये पत्थरों का शहर है, लेकिन मेरी नजर में पत्थर भी यहां हालात में ढलकर चूर चूर हो जाते हैं। काश तुम ना आए होते। वक्त बहुत कम है मोना जी, और जरूरत ढेर सारे रुपयों की, जो मैं किसी भी हालत में हासिल करना चाहता हूं। रुपया? रुपया तो तुम पर इतना बरसेगा कि दुनिया महेश को भूल जाएगी। रुपयों के उस महल से जो शख्स निकलेगा उसका नाम होगा प्रिंस, और वो प्रिंस मैं तुम्हें बनाऊंगी। आप हैं मिस्टर कपूर और ये प्रिंस। हेलो, तशरीफ रखिए। हेलो प्रिंस, थैंक यू। That's my style. Ikka Badshah Begum. Hmm.
के सामने कभी मत जाना। क्यों? मैं इस मच्छर से डरता हूँ क्या? अरे बेटे, तुम्हें असली घी हमने किस दिन के लिए खिलाया है? क्या तुम किसी मच्छर से डरोगे? लेकिन कमबख्त चलता फिरता बैंक है, जब जितना चाहो कैश कर लो। अच्छा हुआ जान से नहीं मारा, वरना अपना तो लाखों का नुकसान हो जाता। माय सन, अकल हाथों में नहीं दिमाग में होती है। देख लीजिए, जरा गौर से देख लीजिए। क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना? ये महेश ही है, महेश, महेश जिसके नाम की आपने रट लगा रखी थी, ये वही महेश है। और जाइए अपनी आंखों से देखाइए, वेलिंगटन क्लब में उस पत्तेबाज को जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अगर मेरी बात सच निकले तो थोड़े से मैनर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। सगाई की अंगूठी आज भी आपका इंतजार कर रही है। एक और चाल। प्रिंस, चाल बढ़ती जा रही है, लगता है मिस्टर बिजलानी के पास कोई ट्रेल है। मोना डार्लिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फंसता ही है। क्यों मिस्टर बिजलानी? बराबर है सही, कुछ उधर फंसा है तो कुछ इधर भी फंसा है। गुड, आई लाइक द स्टाइल। सिगरेट तक तो पहुंच चुके महेश, शराब तक कब पहुंच रहे हो? डोंट डिस्टर्ब है। तुम चुप रहो मोना, एक सीधे साधे इंसान को इस हाल में पहुंचाने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए मिस प्रीत, महेश को यहाँ तक पहुंचाने में सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे डैडी का हाथ है। यहाँ से चलो महेश, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ओ, क्यों? क्या ये जगह सिर्फ तुम जैसे अमीर लोगों के लिए है? मेरी हैसियत जरा सी क्या बढ़ गई कि तुम्हें डर लगने लगा कि मैं कहीं तुम्हारे डैडी की बराबरी न कर लूं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अमीर लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हो। यहाँ से बाहर चलो महेश, फिर जितना चाहो जलील कर लो। मैं तुम्हारे बाप की तरह गिरावा नहीं हूँ कि जिसे जब जी चाहे, जहाँ जी चाहे, जितना जी चाहे जलील करूँ। मेरा वक्त बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी महेश। फिर तो तुम्हें उम्र भर इंतजार करना होगा। वो मैं कर रही हूँ। बिजलानी साहब, आप चाल चलिए। मैडम, राइट्स ऑफ एडमिशन आर रिजर्व्ड एंड नॉन मेंबर्स आर नॉट अलाउड। महेश, ये लोग मुझे निकाल रहे हैं और तुम खामोश बैठे हो। शो मैडम, प्लीज मैडम। ठीक है महेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना बता दूं कि मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे जान पे क्यों ना खेलना पड़े। तीन बादशाह।
मुझे क्यों गिराना चाहती हो? महेश, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। जो इंसान खुद बैसाखियां लेकर चल रहा हो, वो किसी और को क्या गिराएगा? सच पूछो तो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अकेले तुम ही तो मिले जिसने एक औरत होने के नाते मुझे हमेशा इज्जत दी। मेरी समझ में नहीं आता मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? कुछ भी नहीं। तुम जानती हो मैं प्रीत से प्यार करता हूं। मैं उसे क्यों नहीं मिलना चाहता ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसीलिए तो सोचा कि तुम्हें अंदर ही अंदर घुलने न दूं। महेश, मैं कुछ उन बदनसीब लड़कियों में से हूं जिनके दरवाजे शहनाई कभी नहीं बजती, जिनकी अर्थी ही उनकी डोली होती है और जो सारी उम्र अपने चलते हुए घरों का नजारा करती हैं। मोना, प्यार की चोट मैंने झेली है, तुमसे इस तरह मिलते हुए डर लगता है। मैं नहीं चाहता तुम्हें यह दर्द झेलना पड़े। तुम्हारी उम्मीद के रास्ते पर मेरी मंजिल नहीं, इसलिए अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। दोस्त, मैं वो चलती फिरती लाश हूं जिसे चिता की आग का इंतजार है। मुझे भूल जाओ मोना। कहो बेटे, किसे मिलना है? आप महेश की माँ है ना? हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठो। थैंक यू। महेश घर पे नहीं है क्या? नहीं, सामान लेने के लिए बाजार गया है। ओ। रात की नौकरी है ना? जी हाँ, मेरे क्लब में खेलता है। क्लब में? खेलने की नौकरी है उसकी? जी, पत्ते खेलने की। ये आप महेश को दे दीजिएगा। ये लड़की मेरे क्लब में नाचती है। और महेश तुम्हारे क्लब में जुआ खेलता है। हे प्रभु। माँ, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। ये साड़ी, ये शॉल, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ये लो, ये देखो तो माँ। महेश, तुम्हें नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है? नौकरी में? क्यों माँ? क्या एक ही दिन में तुम्हारी इतनी तरक्की हो गई जो रातों रात तुम्हारे पास इतने कीमती कपड़े आ गए? ये तो वहाँ का यूनिफॉर्म है माँ। यूनिफॉर्म? हाँ। इस क्लब का यूनिफॉर्म? मुझे चूहे की कमाई खिलाएगा? मुझे, इस सावित्री को जिसके पति ने ईमानदारी में अपनी जान गंवा दी? मां, कोई भी मुझे गलत समझे मगर तुम मुझे गलत मत समझना मां। हट जा, हाथ मत लगा मुझे। गलत तुम्हें पहले समझ बैठी थी। क्या तू वही महेश है जिसे गुंडे जान से मार डालना चाहते थे और तू दूसरे की अमानत देने के लिए तैयार नहीं था? नहीं नहीं, तू वो महेश नहीं है। हाँ माँ, मैं वो महेश नहीं हूँ। उसे प्रीत, ओबरॉय और रंजीत जैसे लोगों ने मिलकर मार डाला। माँ, मुझे सिर्फ 2 महीनों की मोहलत मिली और इन 2 महीनों में मुझे 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। माँ, 50 लाख से तू मेरा और बस्ती वालों का प्यार खरीदना चाहता है? नहीं बेटे, तू इतना रईस नहीं हुआ है कि हमें खरीद सके और ना हम इतने कंगाल हो गए हैं कि पिक्चर। माँ,
अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे क्लब छोड़ना होगा। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा माँ। तो निकल जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, बड़ा था बेटा बनने, निकल जा। माँ, और याद रखना, आज के बाद अगर तूने इस चौखट पर कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं गिर सकता हूँ मगर तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू टूट गया तो आवाज होगी और मैं टूट गया तो कोई आवाज नहीं होगी, समझे? तुझे नहीं गिरना है, मैं मैं तो सचमुच गिर रहा हूं, लेकिन ये गिरना भी कोई गिरना हुआ? अरे गिरना था तो आसमान से बिजली की तरह गिरते सेठ ओबरॉय की कोठी पर, लेकिन तू तो सावित्री मां की नजरों से गिर गया। जयराम जी की, तुम हमें पहचाना? तुम्हें नहीं पहचानूंगा, सोचा था लोगों की नजरों से गिरते गिरते शायद तुम्हारी नजरें कमजोर न हो गई हों। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। नहीं नहीं नहीं, हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से तुम कमजोर निकले। नहीं, तुम्हें तो किसी ऊंचे पर्वत की बर्फीली तह में दबा देना चाहिए। तुमने लोगों के घर तबाह किए, माँ कहकर माँ का घर बेचा है। घर तो फिर भी मिल सकता है, मगर तुमने मंदिर जैसी माँ का दिल तोड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हें गले लगाया तुमने उन्हीं का गला काटा। Shut up! Get up from here! मैं कहता हूं यहां से चल जाओ। हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम हमारा कत्ल करोगे? हाँ, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मां और बस्ती वाले जीते जी मर जाएंगे, बीमार बूढ़े मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे, और वो दिन मैं नहीं आने दूंगा। तुम्हें मरना होगा महेश, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। महेश ले राजू बाबा खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक दीदी नहीं आएगी। खा ले बेटा। मुलाकात ये पैक खत्म होने से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए, समझी? दीदी, राजू, 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 कैसा मेरा राजू भैया? अरे ये क्या हुआ? दीदी वो मोटे ने मुझे थप्पड़ मारा, ये लोग मारते क्यों है? मेरे भैया उन्हें की सजा दे रहे हैं तुझे। दीदी मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी ले चलो। ले जाऊंगी भैया, जल्दी ले जाऊंगी तुझे। मुलाकात का वक्त अब खत्म हो गया, come on। दीदी अब तुम जाओ, नहीं तो याद ही मुझे मारेगा। नहीं, come on, come on। रंजीत, इंसानियत नाम की चीज से तुम्हें है ही नहीं, आखिर तुम इतने बुरे इंसान क्यों हो? लोग कहते हैं इंसान हालात से बुरा होता है, मगर बेबी मैं वो आदमी हूँ जो पता ही बुरा है। I'm a bad man। मैं जा रही हूँ राजा भैया, लेकिन अब क्या करूँ? तो तुझे जरूर चाहिए। आज करोड़ साल ले जाएगी तेरा।
अनंत साहब, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मुझे शक है कि वो दिल्ली का रहने वाला है और उसने मुझे पहचान लिया है। ठीक है, तुम अंदर जाके छुप जाओ। ओके सर। कहां गया है वो बदमाश? कौन बदतमीज है ये? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे आया? अरे मैं एक मुद्दत से तुम लोगों की तलाश में था, आज मिले हो। दिल्ली में नई कॉलोनी बनाने का झांसा देकर 2.5 करोड़ रुपया बटोरा और चलते बने। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो पुलिस बताएगी। आप लोगों ने मुझ गरीब के जीवन की 10,000 रुपए की कमाई लूट ली। जो आदमी अभी आपके इस कमरे से गायब हुआ है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका सारा रुपया आपको ब्याज के साथ मिल जाएगा। आप कुछ देर विजिटर्स रूम में तशरीफ रखिए। ठीक है, 10 मिनट इंतजार कर लेते हैं। लाश की शिनाख्त हुई? ये आदमी बाहर का लगता है सर। चादर हटाओ। सर, कागज का टुकड़ा लाश के हाथ से बरामद हुआ है। कंस्ट्रक्शन? ये तो किसी बिल्डर की रसीद मालूम होती है। श्यामला, तुम ये पता करो कि कितनी बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियों के नाम कंस्ट्रक्शन से खत्म होते हैं। ओके सर। बाकी मैं देखता हूं। गुड आफ्टरनून मिस्टर बलवंत। हाँ, गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर सक्सेना। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। ये रसीद देखिए। रसीद? किसी बिल्डर की रसीद लगती है। जी हाँ, आपने अभी पिछले हफ्ते अपनी कंपनी का नाम बलवंत कंस्ट्रक्शन से बदलकर महेश कंस्ट्रक्शन रख दिया है, इसकी कोई खास वजह? इनकम टैक्स के झंझटों से बचने के लिए बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है इंस्पेक्टर। वैसे मिस्टर महेश मेरे पार्टनर हैं, कोई फर्जी नाम नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि कहीं ये रसीद आपकी कंसर्न ही तो इशू नहीं की। आप चाहें तो अकाउंट रूम में जाके हमारी रसीदें देख सकते हैं। वैसे इस जांच पड़ताल का कुछ मतलब समझ में नहीं आया। एक कत्ल हुआ है, मकतूल का नाम शर्मा था, वो दिल्ली से आया था। ग्रांट रोड के एक सस्ते होटल में हमें उसके सामान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्रीमेंट मिला है। इंस्पेक्टर, अगर आप कातिल की तलाश में यहां आए हैं तो आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूं, अगर जरूरत हुई तो फिर आऊंगा। जरूर आइए। सी यू। बेबी जरा ये पेपर तो देखिए। ये तो बलवंत अंकल के कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं। बेबी, इसमें देखने की खास बात यह है कि जो खोली मैंने बुक कराई थी अपने दामाद के लिए उसका नंबर 12 है, और जो खोली मनमोजी जी ने बुक कराई थी उसका नंबर भी 12 है। अच्छा, ये पेपर्स मैं अपने पास रखती हूँ, मैं खुद जाकर देखूंगी मामला क्या है। व्हाट नॉनसेंस, मैं ये नहीं मानता। बलवंत के ऑफिस में सब नहीं हो सकता। डैडी, इसमें से एक एग्रीमेंट अपने ड्राइवर जयराज का है और दूसरा अपने माली मनमोजी का। हाँ, ये एग्रीमेंट तो बलवंत के दफ्तर के ही है, क्योंकि अपने बांद्रा जूनियर स्टाफ के लिए हमने भी 5 खोलियां बुक करवाई हैं। उनमें से एक खोली का नंबर 12 ही है। डैडी, सच्चाई का पता वहीं जाके चलेगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। जरूर चलूंगा। अगर ये भूल है तो हमें बलवंत को सावधान करना चाहिए। चलो। ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैं बताऊंगी। आओ भाई, लगता तो यही है दफ्तर उनका। मैंने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, ये जनाब बलवंत साहब आप ही हैं? हाँ जी हाँ, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है कि मेरी बच्ची को आपके मन्नू नगर वाले प्लॉट में खोली चाहिए थी। मिल जाएगी? मिल जाएगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या है, याद आया, वो मेरी बच्ची को एक खास नंबर की खोली चाहिए थी। बेटी, कौन से नंबर की खोली चाहिए थी? जी, खोली नंबर 12। हाँ वही तो, खोली नंबर 12।
ठीक है, आप 10,000 रुपए जमा करा दीजिए, फिलहाल आपको रसीद और 2 महीने के बाद खोली मिल जाएगी। अला मनु नगर की खोली नंबर 12 इनके नाम कर दो। बेटे जरा पैसे दे दो तो इनको। प्रीत, बलवंत, खोली नंबर 12 तुम किस किस को अलॉट करोगे? यही खोली तुमने मेरे ड्राइवर, मेरे माली और मेरे जूनियर स्टाफ को अलॉट की है। बलवंत, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले? अब रॉय, किसी फैंसी ड्रेस में दाखिल होते तो तुम्हें शायद इनाम मिलता, लेकिन मेरा राज जान के दोस्त, तुमने मुसीबत को दावत दी है। मुसीबत में तो आप पड़ने वाले हैं अंकल, मैं यहाँ से निकलते ही पुलिस को ये सब बता दूंगी। बेटे, पुलिस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। जेरी, जॉन, इन्हें ले जाओ और इनकी खातिर का ख्याल रखो, ये हमारे खास मेहमान हैं। डैडी, मुझे लगता है जेरी ने लाश को ठीक तरह से चेक नहीं किया। जेरी को तो इसकी सजा मिलेगी ही। इंस्पेक्टर विनोद को फोन कर दो और कह दो कि राम शर्मा का कातिल राजीव है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? राजीव हमारा दाहिना हाथ है। राजीव हमारा दाहिना हाथ है? राजीव मेरे एक इंस्पेक्टर दुश्मन का पिल्ला है। आज से 20 साल पहले उस इंस्पेक्टर दिनेश ने मुझ पे 3rd degree का इस्तेमाल किया था। मैं बोला नहीं, मैंने उस पे 4th degree का इस्तेमाल किया और उस रामजादे को ऊपर पहुंचा दिया। 14 शायद उसके लिए बहुत खुशी का था, अहम था। उसके बेटे के जन्मदिन के दिन उस पिल्ले को यहां उठा लाया जिसे हम राजीव कहते हैं। जल्दी चलो, पुलिस आ रही है। पुलिस? ओफो, मैंने अभी भी बलवंत को रंजीत से कहते हुए सुना है, इंस्पेक्टर साहब को बता दे कि शर्मा के कातिल तुम हो। बलवंत साहब और रंजीत? हाँ। नहीं, कोई इंसान अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से नहीं कर सकता। पगले, बलवंत एक पुराना मुजरिम है, उसने तुम्हारे बाप को मार डाला और तुम्हें उठा के यहां ले आया। हाँ, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बेटे हो और सावित्री माँ 6 जून की रात को अभी तुम्हारा इंतजार करती है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पुलिस के सामने तुम्हारे सारे अपराधों को मैं अपने सर पे ले लूंगा। चल भाई, मां को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरूरत तो तुम दोनों की मुझे भी है। क्यों बेटे है? माँ के मिलते ही बाप को भूल गए? भाई अफसोस है, तुम्हें तो कत्ल के सिलसिले में हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और मिस्टर फतेहबाज, भाई आज तुम पत्तों की बाजी में मात खा गए। तुम्हारे हाथ में 3 बादशाह हैं और मेरे हाथ में 3 इक्के। शराफत खान, राजू तुम पे बहुत भरोसा करता है ना? जी हाँ। और बेटे अभी उसका लंच टाइम हो गया है। जी हाँ। शराफत खान, आज का उसका जो लंच है आखिरी लंच होना चाहिए, उसके खाने में जहर मिला दो। जहर मिला दो, समझ में नहीं आई बात? जी हाँ, समझ गया। आउट, आउट। शराफत खान, तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे हो। एक गुनहगार को शरीफ मत कहिए मेम साहब, राजू जैसा एक अपना बच्चा था जो बिना दवा के मर गया। खैर, अल्लाह राजू को लंबी उम्र दे। आप जाके महेश बाबू को रिहा कराइए। राज्य को छूने से पहले रंजीत साहब को मेरी लाश पर से गुजरना होगा, ये एक पठान का कौल है मेम साहब। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मेरे भाई। महेश, रंजीत और बलवंत तुम्हारा जीता हुआ सारा रुपया लेकर फरार होना चाहते हैं
और ये रुपया ही तुम्हारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। गद्दार, तुझे इतना डर भी नहीं लगा कि तेरी इस नादानी की वजह से तेरे भाई की जान जा सकती है? मोना, ये पत्तों की नहीं ताकत की बाजी है, समझा? ये आंसू इस हरामजादे की मौत के लिए बचा के रखना। रंजीत, यू बास्टर्ड, तड़प रहा है बेचारा। महेश, महेश, एक विनती है तुमसे। बोलो। ऊपर ऊपर कमरे में मेरा भाई बंद है, भगवान समझकर उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। एक आरज़ू थी जो दिल ही दिल में रह जाती, आज वो पूरी हो गई। नहीं मोना, नहीं। एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो। आखिरी फेरा बदकिस्मती से होगा। आखिरी फेरा तो मैं बाद में लूंगा, पहले तुझे स्वाह कर दू। कुत्ते की औलाद, गरीबों का रुपया और बच्चे को मेरे हवाले करके अपने इन पिल्लों को लेके दबा हो जाए यहां से। माल चाहिए ना, दे देते हैं उसमें। आज के बाद अगर तूने किसी पे हाथ उठाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जीत, मुझे जितना जीजा मार ले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन गरीबों की अमानत तुझे कभी नहीं दूंगा। मुझे जितना जी जान मारो, लेकिन मैं गरीबों की अमानत कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। ये लो माँ, ये बस्ती वालों की अमानत है माँ। और माँ, मैंने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी, मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया माँ। हाँ बेटी, मुझे मालूम है। बेटा महेश, मैंने अपनी कसम से तुझे आजाद कर दिया है। जा, छोड़ मत इन बदमाशों को। जा। Thank you.
आइए बलवंत साहब, आइए, अब आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, आइए। कौन? कम ऑन। मां, मुजरिमों को सजा मिलेगी मां, याद है मां, एक दिन मैंने तुमसे कहा था मैं अपने राजीव को जरूर ढूंढ के ले आऊंगा। हाँ, कहाँ है वो? ये देख मां, यही अपना राजीव है। मेरा राजू, मेरा राजू बेटा। अच्छा मां, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। सावित्री, मैं समझता था इंसानियत सिर्फ अमीरों की विरासत है, लेकिन नहीं, मैं धोखे में था। महेश, जिस बस्ती में मेरी बेटी जाएगी वो बस्ती मेरे यहां रहन नहीं रहेगी।